मुर्गी का अंडा और उसका छिलका वैज्ञानिकों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर मार्विन ए टंग ने 1967 में अपने पीएचडी थीसिस में बताया था कि अंडे को टूटने से बचाने में उसके छिलके की कठोरता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुर्गी के अंडे का वजन 60 ग्राम के लगभग होता है और छिलके में लगभग 6 ग्राम खनिज होता है जो उसे कठोरता प्रदान करता है। लगभग 200 वर्ष पूर्व जर्मन खनिज वैज्ञानिक फ्रेडरिक मो ने सामग्रियों की कठोरता का अनुमान लगाने के लिए एक मानक पैमाना तैयार किया था। हीरा इस पैमाने पर 10 अंकों पर रखा गया, पुखराज को 8, क्वार्ट्ज को 7 और एपेटाइट खनिज पत्थर यानी कैल्शियम फॉस्फेट को 5 अंक पर रखा गया है, जो कि हमारे दांतों की इनामल की कठोरता है, क्योंकि ये मूलतः हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कठोरता पैमाने पर 3 है। मुर्गी के अंडे के छिलके में कैल्साइट होता है और यही अंडे को टूटने से बचाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक अंडे के छिलके की मोटाई 0.36 मिलीमीटर होती है, जिसमें कई उप परतें होती है। प्रत्येक उप परत प्रोटीन संगठन और संरचना में एक दूसरे से अलग होती है। अंडे के छिलके में 500 प्रोटीन्स की पहचान की गई है, जिनमें 3 प्रमुख हैं: ओवोक्लेडिन, ओवोकैलेक्सिन और ऑस्टियोपोन्टिन। इस तरह से छिलका एक कॉम्पोजिट मटेरियल है जिसमें खनिजों का मिश्रण है। इस मिश्रण में वजन के हिसाब से कैल्साइट 96% होता है, शेष 4% अन्य तत्व और मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल में सतह पर धनात्मक आवेशित कैल्शियम ऋणात्मक आवेश वाले मैट्रिक्स प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। ये सब मिलकर क्रियात्मक संश्लेष जैव खनिज बनाते हैं। इस पहेली का जवाब मिलता है कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मार्क मैकी और उनकी टीम के शोध से, जो 2018 में साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। शोधकर्ताओं ने अंडे के छिलके की 5 उप परतों का सूक्ष्म विश्लेषण किया और कठोरता का परीक्षण भी किया। उन्होंने देखा कि बहुत ही पतली कटानों में भी जैव खनिज की एक नैनो स्तर की संरचना थी। नैनो संरचना अंडे के सबसे बाहरी छिलके में सबसे सूक्ष्म थी, ये 30 नैनोमीटर तक की थी। वहीं सबसे अंदर की परत में ये 68 नैनोमीटर तक मोटी थी। ये सारी परतें अंडे को सटकर घेरे रहती हैं, जहां चूजा विकसित हो रहा होता है। सबसे आंतरिक परत को मैमिलरी परत कहते हैं, जो बहुत ही मुलायम होती है। मैमिलरी की नैनो संरचना धीरे धीरे खुलती जाती है और चूजे के विकास में कंकाल निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत को पूरा करती है। छिलके का इस तरह घुल घुल कर पतला हो जाने से इसे तोड़ना आसान हो जाता है और नन्हा चूजा समय पर बाहर आ जाता है।